हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपको उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उस परेशानी की शिकायत कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी परेशानी का समाधान किया जा सके। परेशानियों में जैसे कि आपकी KYC में कोई दिक्कत आ रही है, या आपने बैंक अकाउंट नंबर या अपना नाम चेंज करने की रिक्वेस्ट कई बार अपने जिला समाज कल्याण विभाग को दी है, जबकि उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, आपका बस समय बर्बाद किया जा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे सही तरीका बताऊंगा, जिसमें कि विभाग की तरफ से आपको लिखित रूप में जवाब देना होगा कि आपकी परेशानी का समाधान उनके द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका जो भी काम रुका हुआ है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर आना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है शिकायत पंजीकरण, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आप नीचे मैं सहमत हूँ इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करके OTP के माध्यम से अपना पंजीकरण करना है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यह कैप्चा फिल करेंगे और OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम फिल करना है, इसके बाद अपने फादर का पूरा नेम फिल करना है, इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपका मोबाइल नंबर खुद ही फिल होके आ जाएगा, इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद देखिए, आप यहाँ से विभाग सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप समाज कल्याण विभाग सेलेक्ट कर लेंगे। इस लिस्ट में देखिए सभी विभागों के नेम लिखे हुए हैं, आप इसमें से यह समाज कल्याण विभाग का सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप संदर्भ श्रेणी में देखिए, आपको जो भी समस्या आ रही है अपनी पेंशन से रिलेटेड, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम इसमें वृद्धा पेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, आपकी जो भी समस्या है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि अगर आपकी KYC करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपने बैंक अकाउंट नंबर या कोई अपना नेम या और कोई करेक्शन कराया है जिसके लिए आपने एप्लीकेशन जिला समाज कल्याण विभाग में दी है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पूरी डिटेल अच्छे से लिख देंगे। इसके बाद देखिए, आप यहाँ से अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इस पर टिक रहने देंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप नगरीय पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील, फिर विकास खंड, फिर ग्राम पंचायत, फिर अपने गाँव का नाम, फिर थाना। इसके बाद देखिए, अगर आपका पता सेम है तो आप यहाँ पर उपरोक्तानुसार पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आपने पहले कभी कोई शिकायत की है, आपके पास शिकायत नंबर है तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपने अभी तक कोई एप्लीकेशन या और भी कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने किसी से शिकायत की है और तो वो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज़ 500 KB होना चाहिए, जो कि आप PDF, JPG किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद आप संदर्भ सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको आपकी शिकायत संख्या दे दी जाएगी, जो कि आपको एक SMS के द्वारा भी आपको शिकायत संख्या मिल जाएगी, आप उसको संभाल कर रख लेंगे। उसी से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करने के लिए आप वापस इस पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए दूसरा ऑप्शन दिखता है, शिकायत की स्थिति, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो आपको शिकायत संख्या मिला होगा वह आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक चीज़ फिल करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी शिकायत का जो भी स्टेटस होगा वह आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से कैसे उत्तर दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपको लिखित रूप में आपकी शिकायत का उत्तर दिया जाता है, जिसमें
की उस सभी डिटेल्स लिखी होती है जो भी आपने शिकायत की है। अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से रीजन दिया जाता है कि किस कारण से आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया जा सका है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो भी अगर आपके शिकायत करते समय कोई कमी रह गई थी, आप उन डॉक्यूमेंट को दोबारा सबमिट करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी शिकायत का समाधान जल्दी से हो सके और आप पेंशन का लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।